हेलो गाइस, मैं हूं शमौन मसी, एनएसएस वॉलंटियर, बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज बटाला, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि संसार आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं उससे जूझ रहा है, और ये बीमारी मानवता का संहारक बन चुकी है। लाखों लोगों की जान ये बीमारी ले चुकी है, पर इसे कैसे रोक सकते हैं? सिर्फ एक ही आदमी है इस दुनिया में जो इसको रोक सकता है, और वो है आप। जी हाँ, अच्छी तरह सुना आपने, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आप ही अब इसे रोक सकते हैं। मान लीजिए कोरोना वायरस एक बंदर है जो कि छुपा हुआ बैठा है लोगों के कंधों पर। अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो ये बस उस कंधे से आपके कंधे पर छलांग लगाता है और आपके कंधों पर सवार हो जाता है। आप यही बंदर लेकर अपने घर आ जाते हैं और ये आपके प्यारों को, छोटे मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, उन सबको फिर ये बीमारी अपने आप में जकड़ लेती है और फिर आपके सामने ही वो मरने लगते हैं। तो अगर आप बाहर इस बीमारी को लेने नहीं जाएंगे तो ये आपके साथ घर में कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए सबसे पहली बात यही है कि घर में रहिए, सेफ रहिए। रुकिए 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 रुकिए, बहुत ज़रूरी काम है। मास्क पहनिए और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज कीजिए और जल्दी से जल्दी वो काम निपटाकर घर वापस आ जाइए। यही एक तरीका है अपने आप को, अपने परिवार को और इस देश को बचाने का। इस लड़ाई में आप एक योद्धा हैं और आपका सबसे बड़ा हथियार ही सोशल डिस्टेंसिंग है। सिर्फ इसी से ये बीमारी कम होती है और हमारा दुश्मन कोरोना इसी से मरता है। पर ये सारी बातें तो आपने पहले ही सुनी हुई हैं, फिर नया क्या है? तो सुनिए, अभी आपको ऐसी चीज़ें अपने भोजन में लेनी है जो आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाए। जैसे दूध और हल्दी का मिश्रण जरूर लें और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। ऐसी चीज़ें खाएं जो साफ़ और सुरक्षित हों। देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन से सब लोगों को फ़ोन मिलाना है जो इस बीमारी के बारे में जागरूक नहीं है। सबको बताना है कि ये बीमारी क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। पर अगर आपकी पहचान में किसी को लक्षण दिखते हैं कि उसको ये हो सकता है तो उसको टेस्ट कराने की ज़रूर सलाह दें और पुलिस और डॉक्टरों का साथ ज़रूर दें। और जिनको ये बीमारी हो चुकी है उनको फ़ोन कीजिए, अगर आपके पास उनका नंबर है। उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, उन्हें बताइए कि आप उनके साथ हैं, और ऐसे आपकी सहानुभूति के साथ वो और भी जल्दी ठीक होंगे। बस अब आपको ही रोकना है इस दुश्मन को जो नाच रहा है सीने पे। अब आपको ही रोकना है इस दुश्मन को जो नाच रहा है सीने पे। अगर सयाने होकर भी सयाने ना बने तो लानत है ऐसे जीने पे, लानत है ऐसे जीने पे, लानत है ऐसे जीने पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।